खुल के मतलब किसी की शिकायत या वो नहीं, जो सच्चाई है, जमीनी सच्चाई है, हकीकत है, किस बात से परेशानी है, किस अधिकारी से, कर्मचारी से, आता नहीं, काम नहीं करता, तो आप खुल के बताएंगे। जब आप सही तरीके से बताएंगे तो उसका इलाज हो जाएगा, और यदि आप घुमा फिरा के बताओगे या दबाओगे बताओगे नहीं, तो फिर वो बात बनी की बनी रह जाएगी। इसलिए आप चाहे वो पीएचई से संबंधित हो, पेयजल से संबंधित हो, चाहे राजस्व से हो, नामांतरण, खोटी नामांतरण, बंटवारा, जमीन से संबंधित कोई बात हो आपकी, कृषि विभाग से संबंधित कोई बात हो, कि पशु चिकित्सा विभाग से कोई संबंधित हो, या स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर नहीं आते, इलाज नहीं होता, क्या नहीं, मतलब तहसील में, जनपद ब्लॉक में आपके, जहाँ से भी आपको कोई जिला शिकवा हो तो उसको बताएं। और क्या मांग है, अगर मान लो जिला शिकवा नहीं है तो उसके अलावा मांग क्या है, क्या किस प्रकार का विकास होना चाहिए हमारे गांव में, सड़क बननी चाहिए या बिजली नहीं उस पारा में खंभा जाना चाहिए, या वहाँ पर हैंडपम्प लगना चाहिए, या स्कूल में कमरा चाहिए, या अलग एक स्कूल चाहिए। अभी जैसे माननीय प्रभारी मंत्री जी ने प्राइमरी स्कूल स्वीकृत किया है आप लोगों के मांग पर, और क्या क्या चाहिए अपने को, ये सब बात जो है बताने का एक अच्छा अवसर जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है पूरे छत्तीसगढ़ में ग्राम स्वराज अभियान के माध्यम से सीधे आप लोगों के बीच में सर जा रहे हैं। हमारे पाली, आपके पाली ब्लॉक में ही आज माननीय मुख्यमंत्री जी ऊटा गांव में आए थे थोड़ी देर पहले, 2 घंटा पहले ऊटा गांव से। तो आप बताइए ना, माननीय प्रभारी मंत्री जी का और सभी मंचासीन अतिथिगण का हृदय से स्वागत करता हूँ कि आपने अपना अमूल्य समय निकाल कर जो है सर जनता जनार्दन के बीच में आए, उनका दुख दर्द जानने के लिए। तो मैं अपने शब्दों के साथ में आप सबसे कह रहा हूँ कि एक एक करके अपनी बात बताएँ।